गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हम पिछली वीडियो में कोल क्रॉस की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म यानी कि क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आंसर प्राप्त करवाए थे, और हमारा आज का जो वीडियो है आपके कंपटीशन और कोर्स से संबंधित है जो टोमेटो क्रॉप से रिलेटेड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि टोमेटो क्रॉप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर, तो आपकी कंपटीशन के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है टमाटर का वानस्पतिक नाम। टमाटर का बॉटनिकल नेम या लिख सकते हैं साठ आम इसको बीएम, बीएम बॉटनिकल नेम, बी आर बॉटनिकल एम आर नेम यानी कि वानस्पतिक नाम। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लाइको पर्सिकम, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम। दूसरा क्वेश्चन यानी कि टमाटर आपकी किस फैमिली से रिलेटेड है, इसका कुल क्या यानी कि किस परिवार की सदस्य है इसको जान लीजिए। यह आलू कुल के टमाटर का कुल, टमाटर का कुल क्या फैमिली है, इसका जो सदस्य है यह कौन सा कुल है, सोलेनेसी, सोलेनेसी या सोलेनेसी फैमिली की सब्जी है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं यानी कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टमाटर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह हम लिख सकते हैं इसको क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स नंबर कितना होता है इसमें 24 क्रोमोसोम्स नंबर कितना है 24। और अब जैसे क्रम वाइज इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, आगे देखिए इसका जो नेटिव प्लेस यानी कि ओरिजिन प्लेस यानी कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, सर्वप्रथम इसकी खेती कहाँ की गई वो देख लीजिए, ओरिजिन प्लेस ऑफ टोमेटो, ओरिजिन प्लेस ऑफ टोमेटो क्या इसको नेटिव प्लेस भी कहते हैं। ये कहाँ है मैक्सिको, कहाँ है मैक्सिको यानी कि सबसे पहले यहीं से इसकी खेती की शुरुआत हुई और यहीं से अपने देशों में ठीक है इसको लाया ले जाएगा। आगे आप जान लीजिए इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टमाटर में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो होते हैं परिवर्तन होते हैं, जैसे उसका रंग, उसमें फ्लेवर, उसमें मिठास, ये सब किसके कारण होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है, टमाटर में लाल रंग का कारण, टमाटर में लाल रंग का कारण यानी कि टमाटर किस रंग के कारण लाल होता है, इसको आप जान लीजिए कि इसमें पिगमेंट पाया जाता है, इसको हिंदी में ढांचा कहते हैं, लवक भी कहते हैं। तो क्या है लाइकोपीन, क्या है लाइकोपीन, लाइकोपीन लाइकोपीन पिगमेंट के कारण जो होता है ये जो है लाल रंग का होता है लाइकोपीन। अगला क्वेश्चन है टमाटर में पीला रंग आप देखते हैं
टमाटर पकने के फल स्वरूप इसमें पहले तो आप देखते हैं कि यह हरा होता है, हरा तो आप जानते हैं हरित लव के कार्य कारण जो होता है हरा होता है, लेकिन जब एक पकता है इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लाल पीले या विभिन्न रंगों में परिवर्तित होता है। आगे है टमाटर में पीले रंग का कारण, टमाटर में पीले रंग का कारण, टमाटर में पीले रंग का कारण, यानी कि किस कारण से टमाटर का रंग पीला होता है। तो आप ध्यान लीजिए ये पिगमेंट है वो कौन सा पिगमेंट है, कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट के कारण ऐसा होता है, कैरोटीन, ठीक, कैरोटीन पिगमेंट के कारण टमाटर का रंग हरे रंग से परिवर्तित होकर पीले रंग में हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहेगा, आप केवल हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी से रिलेटेड है, टमाटर में नारंगी रंग का कारण, टमाटर में नारंगी रंग का कारण, टमाटर में नारंगी रंग का कारण, यानी किस कारण से टमाटर का रंग नारंगी होता है, इसको भी जान लीजिए। ये होता है प्रोलाइकोपेन पिगमेंट, प्रोलाइकोपेन पिगमेंट, क्या प्रोलाइकोपेन पिगमेंट, या हिंदी में बता दे रहे हैं प्रोलाइकोपेन पिगमेंट, यह एक प्रकार का लवक होता है जिसके कारण इसका रंग हरे रंग से परिवर्तित हो जाता है नारंगी रंग में। अगला आपका प्रश्न है, टमाटर में खट्टेपन कब है, अगला क्वेश्चन है टमाटर में खट्टापन। आप देखते हैं एक टमाटर जो होता है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, इसका क्या रीजन है कि किस रीजन के कारण इसका जो फ्लेवर होता है यानी कि स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो जान लीजिए इसमें एक एसिड पाया जाता है यानी कि अम्ल, जिसको हम कहते हैं साइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं साइट्रिक एसिड, जिसको हिंदी में भी वही कहते हैं साइट्रिक एसिड, और जिसका प्रकृति क्या होता है अम्लीय, यानी कि इसके कारण टमाटर का जो स्वाद होता है वह जो है खट्टा होता है। आगे देखिए टमाटर में किस प्रकार के फूल पाए जाते हैं, टमाटर में फूल का प्रकार आप देखते हैं, कुछ पौधे मोनोसियस होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं। तो टमाटर किस प्रकार का पौधा है, यानी कि यह एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, तो देखिए टमाटर क्या होता है द्विलिंगी होता है, क्या होता है द्विलिंगी होता है, यानी कि डायोसियस होता है, यानी कि इसमें नर तथा मादा दोनों पार्ट जो है एक ही पौधे पे मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, टमाटर की अंगूर लता किस्म, यानी कि पहले जान लीजिए इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन में आप जानते हैं टमाटर की प्रजातियां होती हैं, कौन सी प्रजाति ऐसी है जो सबसे ज्यादा, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा जो है प्रचलित है, तो इन प्रजातियों में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो जान लीजिए कौन कौन सी प्रजातियां हैं टमाटर की प्रचलित प्रजातियां, टमाटर की प्रमुख प्रचलित प्रजातियां, प्रमुख प्रचलित प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां जो फेमस है यानी कि जिनका ज्यादा डिमांड होता है जो ज्यादा बोली जाती हैं, तो इसको जान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है अंगूर लता, कौन सी प्रजाति है
अंगूर लता यानी कि यह गुच्छे में पाई जाती है, इसमें छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, गुच्छे लगे होते हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर के फल लगे होते हैं, यानी कि में प्रत्येक गुच्छे में टमाटरों की संख्या अधिक होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, टमाटर की अंगूर लता किस्म किस लिए ज्यादा प्रचलित है, इसको भी जान लीजिए। टमाटर की अंगूर लता किस्म प्रचलित है, प्रचलित है देख लीजिए, टमाटर की अंगूर लता किस्म क्यों प्रचलित है? आप जानते हैं कि हम किचन गार्डन लगाते हैं अपने घर के अगल बगल बेकार पड़ी भूमियों में, हम क्या करते हैं बढ़िया से खेत को तैयार करके उसमें हम किचन गार्डन लगाते हैं जो हमारे लिए आज टाइम सब्जी उपलब्ध कराती है, तो ये जो है टमाटर की किस्म जो है ठीक है, अंगूर लता किस्म किसके लिए प्रचलित है? किचन गार्डन के लिए, किचन गार्डन के लिए यानी कि गृहवाटिका के लिए, गृहवाटिका लगाने में इस प्रजाति का प्रयोग प्रमुखता किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है टमाटर का टेस्ट वेट होता है, टमाटर का टेस्ट वेट होता है ये जान लीजिए, कितना होता है टमाटर का टेस्ट वेट इसको जान लीजिए। टेस्ट वेट ऑफ टोमेटो कितना होता है, ये होता है 333 ग्राम, कितना होता है 333 ग्राम। आगे है टमाटर के फल, आप जानते हैं इसमें कुछ डिसऑर्डर यानी कि काय की विकार पाए जाते हैं, किस कारण के कारण से होते हैं? टमाटर का फटना किस तत्व की कमी से होता है, टमाटर का फटना किस तत्व की कमी से होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तत्व पे कमी के कारण टमाटर फटता है, ये होता है आप जान लीजिए लगभग फल जो होते हैं फटने का उनका एक मात्र होता है बोरान, यानी कि जब इसमें बोरान तत्व की कमी हो जाती है तो टमाटर के फल जो होते हैं क्रैक हो जाते हैं फट जाते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये है तुसा गौरव पंजाब सुहारा और पंजाब केसरी किसकी किस्म है? अगर पूछा जाएगा पूसा गौरव पूसा गौरव पंजाब केसरी पूसा गौरव पंजाब केसरी सॉरी पंजाब सुहारा पूसा गौरव पंजाब सुहारा और भी किस्म है जैसे पंजाब केसरी कौन कौन सी? पूसा गौरव पंजाब सुहारा पंजाब केसरी किस्में हैं यानी कि ये किस फसल की किस्में हैं, तो आप जान सकते हैं एक इसमें जो है टोमेटो क्रॉप्स की है यानी कि टमाटर के हैं, क्या टोमेटो क्रॉप्स यानी कि टमाटर की है, इसको आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं। और आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान करके
कंपटीशन में अच्छे मार्क तथा एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते। एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न में पूछा जाता है। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देख लीजिए ध्यान से। टमाटर के फल का प्रकार, टमाटर 15 है, टमाटर के फल का प्रकार, यानी कि टमाटर किस प्रकार का फल है, देख लीजिए। टमाटर के फल का प्रकार ये है बेरी, जिसको हम हरेली कहते, क्या है बेरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये है, गरीबों का संतरा किस किसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबों का संतरा किसे कहते हैं, गरीबों का संतरा किसे कहते हैं। सीधा वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। गरीबों का संतरा किसे कहते हैं, यह है टमाटर यानी कि टोमेटो। गरीबों का संतरा क्या है, टमाटर है। आगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व, ध्यान दीजिए कि टमाटर में एक पॉइजन एलिमेंट पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा एक एलिमेंट पाया जाता है जिसके कारण टमाटर में क्या होता है, पॉइजन की रोध उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसका यदि अधिक मात्रा में हमारे शरीर में उपयोग हो गया तो आदमी मर भी सकता है। तो टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि टमाटर में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टमाटर में पाया जाने वाला जहरीला तत्व ये है टोमेटाइन, क्या है टोमेटाइन, टोमेटाइन हिंदी में भी देख लीजिए क्या है टोमेटाइन तत्व, टमाटर में विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में ब्लॉची रिपनिंग विकार किसकी कमी से होता है, टमाटर में ब्लॉची रिपनिंग विकार का कारण, इसमें एक कार्य की विकार होता है, ये क्यों होता है, किस तत्व की कमी से होता है, जान लीजिए। यह होता है पोटेशियम की कमी से, यह होता है किसके, पोटेशियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से, जिसको इंडिकेट करते हैं पोटाश की कमी से, इसमें एक कार्य की विकार उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं ब्लॉची रिपनिंग। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि टमाटर की संकर किस्म की बीज दर कितनी होती है, सीड रेट ऑफ टोमेटो कैसी हाइब्रिड वैरायटीज, हाइब्रिड वैरायटीज कितना होता है, ध्यान लीजिए कि होता है 100 से 150, कितना होता है 100 से 150 ग्राम, इतना कम क्यों होता है, क्योंकि आप देखते हैं टमाटर का जो बीज होता है बहुत ही छोटा होता है,
और इसकी बुआई हम वैसे डायरेक्ट नहीं करते, इसको हम किसी तरह यानी कि राख वगैरह में मिलाकर नर्सरी में डालते हैं, नहीं तो इसके छिड़काव में भी समस्या हो जाती, कहीं पे बीज की मात्रा ज्यादा तो कहीं पर कम। आगे अगला क्वेश्चन, टमाटर के प्रचलित प्रजाति, टमाटर के प्रचलित प्रजाति, आपको बताया गया कि टमाटर की प्रचलित प्रजाति अंगूर लता है, बागवानी के लिए बहुत ही फेमस है, और यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो इसकी प्रचलित प्रजाति है पूसा रूबी आर्का विकास, पूसा रूबी आर्का विकास। एक इसमें जो आर्थिक दृष्टि यानी कि खाने के लिए क्या होती है उगाई जाती है सर्वोत्तम। तो हाँ, ये रहा 20 क्वेश्चन जो आपके टमाटर के क्रॉप पे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो बन पाए हैं उसको हमने बनाया है। इसके अतिरिक्त और भी फसलों की खेती के लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आपको और भी अच्छा अच्छा टर्म और टॉपिक उपलब्ध करा सकते हैं। थैंक यू।